नागपुर में 12 साल की बच्ची के साथ हैमानियत। गर्म तवे गर्म चाकू और सिगरेट से जलाया, जहां घर पर बंद करके दूसरे गए थे शहर। नमस्कार, मैं मनीष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। महाराष्ट्र में नागपुर में एक रूह कांप देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा सुलूक किया गया जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाए। घरेलू काम के लिए बच्ची को बेंगलुरु से खरीद कर लाए आरोपी परिवार ने बच्ची पर सितम की सारे हदें पार कर दी थी। बच्ची उस परिवार के लिए सारा काम करती थी और छोटी सी गलती होने पर भी उसे डांटा जाता था। धीरे धीरे बच्ची पर परिवार के जुल्म बढ़ते गए, फिर वो इस बच्ची को अमानी यातायात देने लगे। कभी बच्ची को पीठ गर्म तवे से दाग दिया जाता तो कभी गर्म चाकू से वार किया जाता। यही नहीं, जलती हुई सिगरेट भी उसके शरीर पर दाग दी जाती थी। बच्ची ने पड़ोसियों से लगाई मदद की गुहार। नागपुर के हुडकेश्वर थाना क्षेत्र में अथर्व नगरी सोसाइटी में बच्ची को खरीद कर एक परिवार लेकर आया था। घरेलू काम के लिए लाई गई बच्ची पर परिवार के जुर्म बढ़ते जा रहे थे। अभी लगभग 4 दिनों में ही आरोपी परिवार बेंगलुरु चला गया था और बच्ची को घर में बंद करके चले गए थे। इसके बाद पड़ोसी बच्ची ने भी अपने पास पहुंचे पूरी आपत्ति बताई से और बताया कि वो काफी दिनों में घर से बंद है।